हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 17th अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। फर्स्ट, इट आल्सो पब्लिशेस रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज अलोंग विद फूड एंड एग्रीकल्चर। सेकेंड, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ FAO and nodal ministry for it in India is Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट। अब देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इट इज अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड 16th अक्टूबर वॉज इट्स फाउंडेशन डे। So it also publishes reports on forestry, fisheries and natural resources. Food and agriculture के ऊपर तो reports बनाएंगे, नाम में ही लिखा है, लेकिन ये तीन subject जो है वो भी included। Second जो है वो incorrect है, because India is a member, ये बात correct है, लेकिन nodal ministry जो है, it is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare। तो इस वजह से ये second गलत होगा, answer is A, one wrong। ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे था एंड इट इज आल्सो वर्ल्ड फूड डे, तो इसके अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया के फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ कहा था, MSP को उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था एंड अलोंग विद दैट ही आल्सो मेंशन्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स मार्केट कमिटी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द चैलेंजेस टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फर्स्ट, इंटरनल माइग्रेशन। सेकेंड, करप्शन। थर्ड, इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों चैलेंजेस जो है वो करेक्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर इंटरनल माइग्रेशन जो है उसका रेट काफी ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि अर्बन पॉपुलेशन जो है उसके अंदर स्पीडियर ग्रोथ रिकॉर्ड होता है, लेकिन उसके सामने अर्बन पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो उतना स्पीडियर ग्रो नहीं होता, और उसके अंदर काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स भी है। फॉर एग्जांपल कि सभी स्टेट के अंदर फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड अलग अलग लॉज है, तो अगर इंटर स्टेट माइग्रेशन होगा तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स जो है वो इट विल वर्क एज एन इम्पेडिमेंट। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, करप्शन इज देयर स्पेशली इन द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर कई बार ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि जो फूड ग्रेन्स है उसको वो लोग आउट ऑफ द मैकेनिज्म रिटेल मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं। सो द केसेस ऑफ करप्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंटली। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज दिस स्कीम टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, उसके अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उनको ये फ्री राशन जो है वो दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये जो BPL कैटेगरी है उसका आइडेंटिफिकेशन ठीक से नहीं होता, तो इस वजह से भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जो है इट इज अप टू इनएडिक्वेट लेवल। तो थर्ड जो है वो भी करेक्ट होगा, आंसर इज बी, 1, 2 एंड 3। इसी के अंदर फूड सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है वो आपको कवर करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्टबल बर्निंग। फर्स्ट, इजी क्लियरेंस। सेकेंड, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। एंड थर्ड, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों रीजन जो है वो करेक्ट है, जिसकी वजह से स्टबल बर्निंग प्रैक्टिस जो है वो पॉपुलर है। इजी क्लियरेंस, अब देखिए ये स्टबल बर्निंग की प्रैक्टिस जो है वो जनरली जो पैडी हार्वेस्टिंग का पीरियड है, अक्टूबर नवंबर का टाइम, सॉरी सितंबर अक्टूबर का पैडी हार्वेस्टिंग टाइम, तो उसके अंदर ये स्टबल बर्निंग की प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज द फार्मर्स आर नाउ रेडी टू सो द वीट। ये जो टाइम है उसके अंदर उनको वीट जो है उसको उगाना भी है और पैडी जो है उसको हार्वेस्ट भी करना, दोनों के बीच में टाइम पीरियड जो है वो कम होता है, तो कम टाइम के अंदर उनको अगर उनकी फील्ड जो है वो इजीली क्लियर करनी है तो उनके पास एक ये जो है वो सबसे इजीएस्ट वे है स्टबल बर्निंग। दूसरी चीज कि इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, तो
उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो असिस्टेंस भी कम प्रोवाइड करते हैं और सभी स्टेट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं भी करते, तो ये भी एक इश्यू है। एंड थर्ड, ये एक फैक्चुअल डेटा है, पंजाब गवर्नमेंट ने 2009 के अंदर ये एक्ट बनाया था, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि पैडी हार्वेस्टिंग जो है उसको आपको 10 डेज लेटर स्टार्ट करना होगा, मतलब आप पैडी हार्वेस्टिंग जो है उसको स्टार्ट करेंगे 10 डेज लेटर। उनका एक मोटिव ये था कि इसकी वजह से हम ग्राउंड वाटर जो है उसको बचा सकते हैं, वाटर टेबल जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन दूसरी साइड पे ये 10 डेज लेटर का जो टाइम पीरियड है, इट कोइंसाइड्स विद द रिट्रीटिंग और विड्रॉवल ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। ये 10 डेज लेटर का जो टाइम पीरियड है वो साउथ वेस्ट मॉनसून जब इंडिया से वापस जाता उसके साथ कोइंसाइड करता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहां से जो स्मोक इस तरफ जाएगा इट विल गेट ट्रैप्ड इनटू दिस एरिया, जो हम पहले भी काफी सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। स्टबल बर्निंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल जो है वो बनाई है, जिसके जिसके अंदर मेंबर है जस्टिस लोको, देन ही विल टेक स्टेप्स एंड इंट्रोड्यूस गाइडलाइंस टू प्रिवेंट द इंस्टेंसेस ऑफ स्टबल बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्मॉग, स्मॉग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ बोथ स्मोक एंड फॉग इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। सेकेंड, स्मॉग इज यूजुअली फाउंड इन बिग सिटीज विद हैवी ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रीज। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट। अब देखिए कंसेप्ट क्लैरिटी के अंदर ये एक मिस्टेक हो जाती है। स्मॉग के लिए हमें ये कहा जाता है कि स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग, ये बात करेक्ट है कि ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन स्मॉग जो है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फोटोकेमिकल स्मॉग एंड अदर इज सल्फ्यूरस स्मॉग। सल्फ्यूरस स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो सनलाइट एंड नाइट्रस ऑक्साइड के रिएक्शन से बनता है, तो उसके लिए स्मोक एंड फॉग की नेसेसिटी नहीं है, उसकी प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी नहीं है फोटोकेमिकल स्मॉग के। और फोटोकेमिकल स्मॉग जो है इट इज द मेजर पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, तो इस वजह से ये हम नहीं कह सकते कि ये दोनों एलिमेंट जो है वो नेसेसरी। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि बिग सिटीज जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है, तो वहां पे स्मॉग जो है वो यूजुअली देखने को मिलता है। दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि जो वैली एरियाज है, एरियाज विच इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स, अगर वहां पे स्मॉग जनरेट होता है तो वो भी काफी फ्रीक्वेंट है, बिकॉज स्मॉग जो है वो आस पास के एरिया जो है वो सराउंडेड है, देन इट विल नॉट बी कैरिड अवे बाय द विंड। तो सेकेंड इज करेक्ट, आंसर इज बी, सेकेंड। ये स्टबल बर्निंग जो है इससे सबसे बड़ा इश्यू जो दिल्ली के अंदर क्रिएट होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून इन इंडिया। फर्स्ट, सीवर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इमर्ज इन द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दिस टाइम। सेकेंड, इट ब्रिंग्स रेनफॉल इवनली इन द नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर सी है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, करेक्ट आंसर इज सी। अब देखिए ये रिट्रीटिंग मॉनसून की जो सीजन है उसके अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है, सबसे पहले तो ये स्टार्ट कहां से होती है, मिड सितंबर से लेके अक्टूबर के अंदर ये स्टार्ट होती है एंड इट लास्ट टिल जनवरी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ऑनसेट ऑफ मॉनसून है उससे ये ज्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू जब मॉनसून इंडिया के अंदर अराइव होता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम स्पान के अंदर बे ऑफ बंगाल के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और उसकी वजह से ये जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां के काफी सारे स्टेट्स के अंदर हैवी रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड होता है। दूसरी चीज कि अगर हम हैवी रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर भी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड होता है, स्पेशली इन दी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड मेघालय, एंड सदर्न पार्ट्स के अंदर भी जो हैवी रेनफॉल है वो रिकॉर्ड होता है, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु।
तमिलनाडु के अंदर इसे विंटर मॉनसून भी कहते हैं। तमिलनाडु का 50% से भी ज्यादा रेनफॉल जो है इस पर्टिकुलर टाइम स्पान के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आंसर इज सी बोथ वन एंड टू। सो अभी रिट्रीटिंग मॉनसून की सीजन चल रही है और आपने देखा होगा कि रिसेंटली हैदराबाद एंड इन सम एरियाज ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो जिसके अंदर ये हैवी रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। फर्स्ट, दीज रूल्स आर एप्लीकेबल ओनली इन द म्युनिसिपल एरियाज। सेकेंड, दीज रूल्स फोकस ऑन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द सोर्स। एंड थर्ड, इट प्रमोट्स कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इनटू एनर्जी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड है। सिर्फ म्युनिसिपल एरियाज के अंदर ये लागू नहीं होता। इससे पहले इन द ईयर 2000 जो रूल्स काम करते थे म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, तो उसके अंदर ये प्रोविजन था कि ये रूल्स जो है वो सिर्फ म्युनिसिपल एरियाज के अंदर ही लागू। लेकिन जब 2016 में इस रूल को अमेंड किया गया, उसको रिप्लेस किया गया, तो उसके अंदर म्युनिसिपल एरियाज के अलावा जो अर्बन एग्लोमरेशंस है, नोटिफाइड टाउनशिप्स है, इंडस्ट्रियल एरियाज है, उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, इसके अंदर वेस्ट जो है उसको सेग्रीगेट किया जाता है एट द सोर्स, मतलब एट द लेवल ऑफ कलेक्शन। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, थ्रू वेस्ट टू एनर्जी टेक्निक्स लाइक रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, बायो रीमीडिएशन, तो ऐसी टेक्निक्स के द्वारा वेस्ट जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी इसके अंदर रूल्स जो है वो मेंशन किए गए। तो दोनों करेक्ट है, आंसर होगा बी सेकेंड एंड थर्ड। दिल्ली के अंदर जो रेसिडेंट्स है वो ओपन वेस्ट बर्निंग को अपोज कर रहे हैं एंड दे कॉल फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दिल्ली एयर पॉल्यूशन काफी न्यूज में है अभी 2-3 दिन से, तो इसलिए हमने काफी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द हैजार्ड्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पीएम 2.5। फर्स्ट, ट्री प्लांटेशन। सेकेंड, यूजेज ऑफ मास्क। एंड थर्ड, रिड्यूसिंग व्हीक्यूलर एमिशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट। अभी देखिए, आपको ये लगता होगा कि ट्री प्लांटेशन की वजह से तो पॉल्यूशन कम होगा ही, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, लेकिन पीएम 2.5 के कॉन्टेक्स्ट में ये गलत है। ट्री प्लांटेशन जो है उसकी पीएम 2.5 के पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में कोई इफेक्ट नहीं, उल्टा उसकी नेगेटिव इफेक्ट है। कैसे? अगर मान लो कि ट्री प्लांटेशन ज्यादा होगा तो इसकी वजह से एटमोस्फियर के अंदर मॉइस्चर लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर लेवल इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकुलेट मैटर्स के पार्टिकल्स है दे विल गेट ट्रैप्ड इनटू द एयर, वो एयर के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। अगर मान लो कि मॉइस्चर कम है तभी जाके विंड के थ्रू ये पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। अगर मॉइस्चर लेवल ज्यादा है दे विल गेट ट्रैप्ड इनटू द एयर, तो इसकी वजह से क्या होगा, पीएम 2.5 कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगा। तो ट्री प्लांटेशन की वजह से कोई बेनिफिट नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ पीएम 2.5। सेकेंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट, पीएम 2.5 आपको बचा सकता है, सॉरी आप मास्क के थ्रू अपने आप को बचा सकते हैं पीएम 2.5 से, जब तक व्हीक्यूलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड पॉल्यूशन जो है वो कम नहीं हो सकता तब तक मास्क जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है वो करेक्ट है, आंसर होगा बी सेकेंड एंड थर्ड। एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियाज परफॉर्मेंस इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। रिसेंटली ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, लॉन्च किया गया है, एंड इसके बेसिस पे हम दो क्वेश्चंस देखेंगे। एक फैक्चुअल बेस्ड है कि इसके अंदर इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स के कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, इंडियाज परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स। सेकेंड, इंडिया परफॉर्म्ड बेस्ट इन द साउथ एशियन रीजन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज
डी नाइदर वन नॉर टू। काफी अच्छी बात की गई है यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट। बिकॉज अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, आउट ऑफ 117 कंट्रीज इंडिया का रैंक था 102nd। इस साल की अगर हम बात करें तो अराउंड 107 कंट्रीज है, उसमें भी इंडिया का रैंक जो है वो 94 है। तो कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुई है इंडिया के परफॉर्मेंस के अंदर। दूसरी चीज की अगर हम साउथ एशियन रीजन से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे हमारे नेबरिंग स्टेट्स है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर है। बाकी पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, ये सभी जो है वो हमसे आगे है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बेस्ट है साउथ एशियन रीजन के अंदर। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होंगे, इस वजह से आंसर होगा डी नाइदर वन नॉट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। फर्स्ट अंडर नरिशमेंट, सेकेंड चाइल्ड वेस्टिंग, थर्ड चाइल्ड स्टंटिंग एंड फोर्थ चाइल्ड मोर्टालिटी। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2, 3, 4। देर आर फोर कॉम्पोनेंट्स इन दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स और ये चार कॉम्पोनेंट जो है वो करेक्ट। अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है कैलोरी इनटेक, मतलब कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, तो उसके अंदर इंडिया का परफॉर्मेंस हम देखेंगे। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट एज कंपेयर टू हाइट, हाइट की कंपैरिजन में अगर वेट कम हो तो उसे हम कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट एज कंपेयर टू एज, अगर एज के अकॉर्डिंग हाइट कम होती है तो उसे हम कहते हैं स्टंटिंग। एंड चाइल्ड मोर्टालिटी आप सबको पता है इट इज द डेथ रेट ऑफ चाइल्ड। तो ये चार कंपोनेंट है। अब इंडिया का परफॉर्मेंस देखते हैं तो अंडर नरिशमेंट के अंदर इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसके अंदर 14% अंडर नरिशमेंट के अंदर सफिशियंट 14% चिल्ड्रन को सफिशियंट कैलोरी मिलती है। चाइल्ड मोर्टालिटी की बात करें तो वो 3.7% है, तो एक ये भी अच्छा इंडिकेटर है कि मोर्टालिटी रेट जो है वो कम है। लेकिन स्टंटिंग एंड वेस्टिंग की बात करें तो वहां पे इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं। स्टंटिंग के अंदर हालांकि अगर हम 2000 के साल से कंपेयर करें तो इम्प्रूवमेंट है, उस टाइम पे 54% था, अभी 35% है। लेकिन वेस्टिंग के अंदर इंडिया जो है वो ग्लोबल लेवल पे लास्ट रैंक पे आता है, वेस्टिंग के अंदर इंडिया जो है वो लास्ट रैंक पे आता है। तो इस वजह से ये दोनों इंडिकेटर के अंदर हमारा परफॉर्मेंस जो है वो खराब है, इस वजह से हमारा रैंक जो है वो भी पीछे है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF। फर्स्ट, अ कंट्री हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। सेकंड, अ कंट्री ऑन बिकमिंग द मेंबर ऑफ IMF हैज टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू IMF। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। बिकॉज ये नेसेसरी नहीं है कि अगर आपको IMF का मेंबर बनना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनना होगा। हाँ, ये एक कंडीशन है, इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ IMF यू विल हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ IBRD। ये कंडीशन थी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लेकिन यूनाइटेड नेशन की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, अगर आपको IMF का मेंबर बनना है, जब आपको मेंबरशिप मिल जाती है यू हैव टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, जिसे क्या कहते हैं, कोटा सब्सक्रिप्शन कहते हैं, कोटा सब्सक्रिप्शन जो है वो किसी कंट्री का GDP कितना है, इकोनॉमिक ओपननेस कितनी है, वहां पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कैसा है, उसके बेसिस पे एक अमाउंट जो है वो डिसाइड होती है और वो अमाउंट आपको IMF को पे करनी होती है किसी भी मेंबर कंट्री को। तो सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, आंसर इज बी सेकंड। IMF जो है इट कॉल फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड इकोनॉमी को स्लोली रिकवर कर सकते हैं। काफी अच्छा आर्टिकल है, IMF ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहां पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।